ना बेटा, बस वो क्या चुप है ना? और अरे पहलवान जी, एक बार लड़की तो देखो, कमाल की है। अरे गृह कार्य में दक्ष, सुशील, पढ़ी लिखी, और तो और कमाल की बात जाए, लड़की को हमारी क्या है हा? ये तो तुम्हारी खुद की लड़की जो है ना, अपनी दादी के गोद में सर धर के बिलख रही है, जिन्हें दिखाई दे रहे हो तुम्हें। तुम दूसरे लड़की का गठबंधन करवा रहे हो। अरे ना ना, हमें देखो देखो ओ बेटा, चमची कहो गो जेल लो, जे भी भूल गाओ कि का हो गाओ, जैसे एक दिन हमें भूल जाएंगे। अरे ना ना बेटा, जे कैसी बातें कर रहे हो, तू हमारी औलाद है। हाँ हाँ, देखा मैंने कैसे औलाद को आपने उठा के धक्का मार दिया। वो हम देख ना पाए, नहीं तो तू हमारे दिल में रहते है, सिर्फ नाम की औलादे आएंगे। तू सही कह रहा है, पापा ने हमें सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो इस आंगन की शोभा बढ़ा सके। अरे अरे अरे, चुप, ठहर जा, चुप हो जा। जैसे आप ऐसे आंगन में वो गमले लगा के रख देते हो ना, वैसे हमें भी यहाँ पे रख दिया है। एक सेकंड भाई बहन, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा यो है? मतलब कुछ ना कुछ कहे जा रहे, जब से बप्पू बेचारा देखे तब से मुंह ही ताक रहा। बस हमारी फीवर में बोली, जब इतिहा हमें शुरू से पसंद है। एक्सक्यूज मी फादर, actually the chills are very right, you are a ditcher father, ditcher, you promising to chamchi, you coming and watching dancing chamchi but you never coming, tu sardi garmi barsat same hi dialogue, hame samajh mein na aa raha ka keh rahi, wapas main hi translate karu, aapko yahi keh rahi ki chamchi ka dance dekhne nahi aaya tu। Sorry uncle ji, actually my have remembering the poem for child and father, childhood, a beautiful childhood, don't hurt, don't break, it is like a milkshake, shake with gentle hand, don't make please your band ite ko aiyo na ite jeka raag bhairvi mein raag riya man gused raho hai, chup baith tu je bata ki tu hamari bitiya ki dance program mein kahan na pahuncho, mana tu दिल से चाह रही थी, पूरी कोशिश करी, लेकिन वो हो गो जो बहुना चाहिए। तुम्हें अम्मा पता, खतरनाक अपराधी शाकाल, बस मुठभेड़ चल रही थी। अच्छा मुठभेड़, फिर भी खाली हाथ लौटे, बहुत ना इंसाफी है। सुन लो तुमने है? तुम्हारे खुद के बालकन ना तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो उन्हें पता है तुम कितने फेकू हो। बाप फेकू है, हम फेकू है, हमें बुरो लग गओ, बिल्कुल गलत बात, हम बिल्कुल फेंक नहीं रहे, हम सच बता रहे। सबूत है तुम्हारी सच्चाई का? का सबूत दे दें? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास? देखो अम्मा कैसी बातें, जॉनसिन को हम वृतांत बता रहे, तो को पता ही नहीं है, शाकाल खतरनाक अपराधी, बाप तुम आओ उच्च कोटि को दरोगा, धुंगन की चल रही है मुठभेड़। अम्मा बताओ जाको, बाटेम पे अगर हम वीडियो शूट करते जाके बाप को शाकाल शूट कर दे तो भिड़ गए हम, भिड़ गए। हेलो, और कैसे आओ? सर ये आपका खाना, आप ढाबे पर भूल आए थे। माय गॉड फादर, अच्छा जामे मनोहर की क्या गलती है, बस इतनी सी कि मैंने तुम्हारी पोल खोल दी। अरे ना ना, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब? अरे हम सही बोल रहे, हमें टिप मिली थी। कैसी टिप? अरे हमें जट टिप मिली थी कि हाईवे के पास एक ढाबा है, उते पे शाकाल खाना खाने आने वालू है। अच्छा फिर? हमने तुरंत जाल बिछाओ, फील्डिंग सजा दी, बाको दबोचने के लाने। तो तुमने दबोच लो? नहीं, दबोचने ही वाली थी, हमने दबीश डारी थी, लेकिन सारो का भाव जॉन ने हमें टिप दी थी ना, शाकाल आने वालू है,
वही धी के लटने ओते टिप दे दी के हम आने वाले हैं। राई तू फैल गौ तुम्हारी मुट्ठी में आतो आतो शाकाल जो उते से फुर भाग लो वाने भागू नैया गोली चलाई माने गोली चलाई और हाय वो भैया दरोगा जी तो जो तुम तो तुम्हें गोली लगी तो नहीं ना ना लग ना पाई बस तना कान की बगल से सन्न करके निकली ऐसो भन्ना गौ कान ऐसो लगो कि चिड़ैया उड़ गई और दूसरी गोली जो मारी ना बाने बिल्कुल बचा गए बाल बाल तुम तो प्यारा बचा रहो हमें लग रहो बालन को ऐसो चूम के किस करके निकल गई गोली। भगवान हाय बापैया तो तुमने वो जिका कहते हैं वाटर प्रूफ वाली जर्सी ना पहनी होती वाटर प्रूफ तो बनी नहीं है आज तक बुलेट प्रूफ होती है। हो, जो कचली भाई तो जल्दी जल्दी में भूल गए हबड़ तबड़ में यही तो होता है बताओ जैकेट ही भूल गए पर कच्चे उड़ जाते हो पर कच्चे उड़ जाते नहीं तुम चाहते हो कि तुम्हारे पर कच्चे उड़ जाए हम जो ना रंगीन कपड़े पहनने बंद कर दे सफेद साड़ी ओढ़ने अरे ना ना अरे ऐसी बात है सफेद साड़ी वाली बात है जो कि तू अच्छा लग रहो लाल लाल लेकिन तुम चाहते नहीं हो ना जो अच्छा लगे है ना यही के लाने जैसे सब करते हो तुम चाहते हो कि जब रंगीन चूड़ियां जब मंगलसूत्र कंगन बिंदी जब सुंदर लिपस्टिक लगा के घूमते हैं ना जब सब कुछ बदल करके रोते बैठे रहे घर में। अरे नाना अरे तुम कैसी बातें कर रही जी 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 बातें ना करो हमें घबराहट होती है जी जी बातें ना करो सफेद साड़ी और चूड़ी बूड़ी तो फिर ऐसे काय करते दरोगा जी तुम काय लाने खतरन से खेलते हो। ना ना ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है खतरन से तो हमें तब से खेलने को शौक हो गया ना जब से तुमसे ब्याह भाव हम आओ तब से हम बिल्कुल तोप की आगे अड़ जाए सर हटो मन करता मुंह धो चले तुम आओ। अरे तुमसे ना बकलोली करवा लो बस वैसे एक बात कहें तुमने ना चमची का दिल दुखा हुआ हट करो वाको जो जो हमें बहुत बुरा लगा हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम अपनी बच्ची के प्रोग्राम पे पहुंच ना पाए हमने कितनी कोशिश करी वो हम आओ दिल जानते हुए सच्ची आओ बहुत बुरा लग रहा हूँ हमारे सामने बुरो लग रहो बुरो लगने करने से ना कुछ नहीं होने वालो जाओ जाके वहां से माफी मांगो। बिल्कुल जो जो हमें अच्छे लगो तुमने हमें हम माफी मांगेंगे एक महीने बाद नहीं अब ही हम जा रहे थे हम भीला कर रहे थे तना कितनी बड़ी गलती हो गई दादा बकलोली करवा लो नाराज तो हुए हम जा रहे अब ही माफी मांग रहे सुनो कान पकड़ के माफी मांगियो आओ आओ चमची ओए, तुम लोग को नहीं लगता कि हम गलत घर में पैदा हो गए What? गलत घर में पैदा हो गए मतलब दादी और मम्मी तो कितनी अच्छी है ना सिर्फ दादी मम्मी अच्छी हैं पापा के बारे में क्या ख्याल है पापा के बारे में कोई ख्याल ही नहीं है पापा के लिए कोई ख्याल नहीं है क्या बोल रहे हो कोई ख्याल नहीं मतलब कोई ख्याल नहीं है काय खिला रहे हैं पढ़ा रहे हैं हाँ तो क्या एहसान कर रहे हैं क्या हाँ सही बात है अरे हमें इस दुनिया में लाया कौन दरोगा हप्पू सिंह हम थोड़ी ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के जरिए से आए हैं टपके थोड़ी हैं ऊपर से सही कह रहा है एक बाप होने के नाते पापा को हमारे जरूरत का ख्याल रखना चाहिए लेकिन हमारे हप्पू पापा ने हमारी कौन सी भी जरूरत को पूरा ना करो जी मैं अगर दादी नहीं होती ना मैं तो बोरी हो जाती वो सबसे ज्यादा उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा हाँ यार और मेरा ध्यान मम्मी ने रखा है पूरा ध्यान मेरा ख्याल पता है कौन ने रखू है कौन बीनी अंकल ने भाई तेरा दर्द समझ सकता हूँ ट्रू सो ट्रू ये कट्टो तुम्हें याद है शादी के पहले में तुमने क्रिसमस पे क्या गिफ्ट दी थी अच्छी तरह से याद है हमें तुम ना शांता की लाज बन के आए थे हम रात को छत पे अपनी अम्मा के संग सो रहे थे और धोखे से तुमने हीरे की अंगूठी हमारे हाथ की बजाय हमारी अम्मा के उंगलियों में पहना दी उसके बाद क्या हंगामा हुआ था अरे बहुत बड़ा हंगामा हुआ तो अरे हमारे डोकर तो हमारी अम्मा को घर से निकालने आए तभी मेरी एंट्री हुई और तुम्हारे डोकर ने छड़ी लेके मुझे इतना पीटा है ओ
हाओ हाओ अब तुमने भी सब सह लिया। हाँ क्योंकि कट्टो हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। पीठ आज तक दुखती है, भले ही दुखे बट आई लव यू। चलो ऑटो। ये कहाँ आ गया? अरे अम्मा तुम शर्मा रही, लग रहे हो डोकर रहते, हम बाद में आ रहे। अरे अरे ना कितने जा रहे हो, बैठ, तेरे डोकर तो छेड़ते ही रहते हैं। का कह रहे डोकर? ना कछुना ऐसी किशमिश के किस्से सुना रहे थे। वही किस्सा तो अम्मा बताना आई थी। अम्मा कौन सो किस्सा? असल में अम्मा तुम्हारी जो उनकी नाती पोता है ना भाई लोंडला पाड़ी, उनके कमरा में गई थी हम। हाँ तो का बातें सुना रही थी, नाराज चल रहे, क्या कह रही थी हम अप्पू सिंह की औलाद ही नहीं है, हमें बुरू लग गई जो सुन के। उनने हमें बहुत मतलब जलालत को तमाचा, बेइज्जती को तमाचा, ऐसा लाफा मार दो बाप की गाल पे। हाय भगवान, ऐसा का कर दो कि बालकन नाराज हो गए? कछु करो थोड़ी है, बदकज हो गई कितना कम, जो क्रिसमस आ रहा हूँ ना बामे, हमने घुइया कछु पिलाने ही ना करो, रूठ गए सारे। कटो इससे कह दो ये सारी गलती उसकी है। तेरे डोकर कह रहे हैं इसमें तेरी गलती हैगी, बहुत भड़क रहे हैं। का गलती है पूछो का ना सपीटे, तेरे डोकर कह रहे हैं तो इसका मतलब तेरी गलती हैगी। का गलती बताओ खोल के। कटो इसे बताओ कि जब ये छोटा था तब सिर्फ क्रिसमस पर नहीं हर त्योहार पे उसने जो मांगा है वो गिफ्ट मैंने दिया है उसे, बताओ उसे। हाउ तेरे डोकर कह रहे हैं कि क्रिसमस ही नहीं हर त्योहार पे तो को गिफ्ट ला के देते आते कि ना। जब बात डोकर ने कही का जब बात बिल्कुल सही कही, हमें से कछु ना कछु हमें गिफ्ट तो मिलो है अम्मा। तो फिर ये मेरे पोते पोती के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? अरे तेरे डोकर कह रहे हैं कि उनके पोते पोतियां हमारे भी पोते पोतियों के संग जे व्यवहार काय कर रहा हुआ है। ना ना ना, हम अम्मा कसम से कह रहे कौन हूँ ऐसा व्यवहार नहीं कर रही है, गलत बात। अच्छा तू जे बता कि त्योहार पे क्रिसमस पे हमारे बालक गिफ्ट के लाने तरसे जे कौन से आदर्श बाप के लक्षण है बता। ये तो खराब बाप के लक्षण है, एकदम खराब बाप। उसको बताओ कि उसे ये भरपाई करनी होगी। डोकर कह रहे हैं कि उसकी भरपाई कर। ऐसा कह रही, उनसे बोलो हम बादो कर रही, हम अपनी लोंडला पाड़ियन को अब हमने सोच ली बिल्कुल निराश ना करेंगे, बल्कि सेंटा क्लॉज बन के ससुर बेहतरीन से गिफ्ट पेल पेल के देंगे सेंटा क्लॉज की ड्रेस में। कैसी गई? अगर ऐसा करेगा तो मैं इस पर गर्व होगा। तो तेरे डोकर को तो पे गर्व होगो, हमें भी गर्व होगो, हम भी स्टॉक फुल कर दो। हाँ और साथ में क्रिसमस को पर्व होगो। और ना करो तो हम तेरे नींबू निचोड़ देंगे। निचोड़ देंगे। अरे काय कर रहा ला। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग दादी। अरे जीते रहो खुश रहो। गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है दादी फिर निकलते हैं। हाँ हाँ जी लो तुम्हारी चाय। हाँ हाँ अच्छा वा चाय ले आई, आज कछु ज्यादा ही सर्दी लग रही है भाई। ऐसा है अम्मा तुम्हें ना सब कछु ज्यादा ही लगता है, हमें तो ना लग रही ठंडी। बहू तुम्हारी उम्र में ठंडी ना लगती हैगी, ठंड तो हमारी उम्र में आके लगती हैगी। लेकिन शाम के 7 बजे के बाद दादी मम्मी से भी छोटी लड़की बन जाती है। जी सही कहो तुमने। एक दिन कान के नीचे भाग। टिफिन धर लो तुम लोगों ने। चलो चलो चमची बाय बाय। अरे एक मिनट इतने को क्या इतना? अरे हमें तुम लोगों को एक बात बतानी है। का कौन सी बात? बस ये बट रही है का? का बोलो रे? नहीं मतलब आपने बोलो ना कछु जरूरी काम है, बात बतानी है, सबको इकट्ठा कर लो। ना ना बेटा रणवीर जी, वसीयत वाली बात होने में तो अगले 100 साल लगी हैं। बहू चाहे 100 साल लगे चाहे 200 साल लगे तो को तो एक नया पैसा ना मिलने वारो है। हम अपनी सारी पपाटी अपने बच्चन के नाम करके जाएंगे। ऐसा मैं वो प्रॉपर्टी होती। ऐसो मत करो प्लीज, अब सुबह सुबह शुरू मत हो, रहने दो बात कर, मतलब आपको जो कहना है वो कहो। हाँ हम जो बात तुमको बताने वाले हैं ना वो ना का कहते हैं एक एट बिटिया अपने करने लग गए हमारे से शुरू, वो का कहते हैं उसको बहुत जो
अचानक से कछु सामने आ जाए तब हमें का है जातो है? Oh yes, meaning you like that? If me going to jungle and अचानक से lion coming in front of me ना, then me to grandmother first removing sandal and then running. ना केट बिटिया एक शब्द ये तो बहुत ज्यादा है हमसे ना बोले जाएंगे। एक सेकंड दादी तू मतलब वो कहना चाहिए ना सरप्राइज? हाँ भाई सरप्राइज तुम्हारे लाने एक सरप्राइज है को। सरप्राइज तो दे दे फिर सरप्राइज। हाँ मैं दे दो। वो का है कि तुम्हारे पापा हमारे हफुआ संता की लाज बन के तुम सब के लाने किसमिस में गिफ्ट देने वाले हैं। ये बात का कहते हैं केट ना छुपा के रखनी हैगी छुपा के। अरे मैं जस्ट टेलिंग यू ग्रैंडमदर इफ मी गोइंग टू जंगल देन इफ लॉयन कमिंग। अरे इतने सारे शब्द ना अंग्रेजन एक शब्द। एक सेकंड बहन तू बार बार जंगल में क्या लेने जा रही मुझे पता नहीं है। दादी तू सीक्रेट कहना चाह रही ना? सीक्रेट ये बात हमें सीक्रेट रखनी आएगी है समझ गए? तो अभी से सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बनाने शुरू कर दो। अरे मन का भैया का बात है बड़ी लिस्टें बन रही। ए अपुआ किशमिश आ रहा होगा ना? किशमिश है साथ में अखरोट भी आ रहा होगा ना सफीते ज्यादा सहन पंती ना कर किसमिस आ रहा है ना तो हम बच्चन से कह रहे थे कि तुम लिस्ट बनाओ लिस्ट। अरे रहने दो ना दादी ये क्या गिफ्ट विफ्ट वैसे भी हमारे लाइफ में कोई ऐसा सेंटा क्लॉस नहीं है जो आएगा और हमें गिफ्ट देगा हम थोड़ी ना अच्छे से क्रिसमस मना पाएंगे। हाँ दादी जब अपना ही अपना ख्याल नहीं रख रहा तो दूसरे लोग से आने वाले से हम क्या उम्मीद रखें। ना ना बेटा ऐसे नहीं सोचते थिंक पॉजिटिव। हो सकता है कि तुम्हारी जो लिस्ट है ना वो देख के भगवान प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे लाने भी कोई सीक्रेट सांता क्लॉज आ जाए। अम्मा ने मैं सब कुछ बता दो। अरे नमन अम्मा जा रही फिर थाने बच्चा पार्टी बाय 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 रज्जू देख रही कैसे सारे मुंह बना रहे हमारे मुंह नहीं देख रहे छत देख रही। तुम चिंता नहीं करो सुनो बच्चे जो भी लिफ्ट बनाई है ना बस तुम उनको लाने की तैयारी करो सब ठीक हो जाए। जाए छत देख रही बताओ। अरे कमाल है तुम तो सब के सब एक्टर हो भाई कमाल है कि क्या किससे आओ जे का कहते हैं बाको टैलेंट हमसे हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड क्या लग रही हो कल्लो। अच्छा बताओ कि इस बार क्रिसमस पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? सोने का नेकलेस। डोंट वरी डार्लिंग इस बार मैं कोई बड़ा हाथ मारता हूँ। और बता What is this, darling? ये घूंघट क्यों ले लिया तुमने? अब तो एकदम घूंघट हटाओ। कैसे हटाएगी? बाकी जेठ आ गऊ ना। Oh my God. इके लट कर लो बात है। हैं? I'm sorry. बस बेटा तू हाथ ही मार तो रही है। ड्यूटी ना करिए। वीडियो कॉल पे लग ले सारे। पचल लो है जो। I'm sorry, sir. क्या करूँ सर इस बार बीबी क्रिसमस पे नेकलेस की डिमांड कर रही है और हमारी तनख्वाह लाखों में तो है नहीं कि मैं उसे नेकलेस गिफ्ट करूं। इसलिए आप और मैं हमेशा हमेशा वर्दी की आड़ में बड़ा हाथ मारने की फिराक में रहते हैं। कैसे कही बेटा चोंच कम चलाओ करी हमारे सामने जा पहले सेंटा क्लॉज की ड्रेस लेके आ। मतलब आप सेंटा क्लॉज बनने वाले हैं सर? हाँ बनेंगी। ओह माय गॉड मतलब बच्चों को इस बार गिफ्ट में चूरन चटनी ही मिलेगा। हम कछु भी दें हमारी लोंडला पाड़ी ना तो को का प्रॉब्लम चूरन चटनी दें लेमन चूस दें कछु भी दें तेरे को का दिक्कत है जा लेके आ फटाफट। नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन आपके सेंटा क्लॉज बनने से सेंटा क्लॉज की इमेज पर काफी गलत इफेक्ट पड़ेगा सर। बोलू बकवास ना कर चुपचाप ड्रेस लेके आ। चैन सर जय हिंद। बैठो सर बैठो। कौन सी ड्रेस मंगवा रहे हो हप्पू सिंह? गौर से सुनो सारी ड्रेस भूल जाओ और सिर्फ
इस वर्दी को याद रखो बस। हम समझे नहीं आपकी बात। वर्दी को तो रोज याद रखते हैं। 24 दिसंबर को आप पूरी रात ड्यूटी करेंगे इस वर्दी में। नहीं 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 साहब, 24 तारीख को झूल है। 24 तारीख को हम बच्चन के साथ हैं। बच्चन साहब के साथ में क्या कर रहे हो 24 तारीख को? बच्चन साहब ना 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 जेब वाले बच्चन साहब नहीं, हमारी जो खुद के छोटे छोटे बच्चा है उनके साथ है। हमने टेम दो ने, अब हम जो ना कर पाएंगे चाहे कछु कर लियो आप। पप्पू सिंह तुम मुझसे बदतमीज से बात कर रहे हो। बदतमीजी से करी हमने? नहीं नहीं, बच्चन को मामले जज्बाती हो गए थे लेकिन हम आ नहीं पाएंगे। देखो मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ लेकिन आहिंदा अगर मुझसे इस टोन में तुमने बात की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। नहीं, कान पकड़ रहे हैं हम, कान पकड़ रहे हैं। आगे से ऐसी बात नहीं होगी, बादू कर रहे हैं। बच्चन की वजह से छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। एक मच्छर था सर, मरते मरते बच गया। कुछ भी